हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपका नवंबर हॉरोस्कोप, यानी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है ये आज आप जानोगे। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करी जाएंगी, फिर आपकी रिलेशनशिप, फिर आपकी हेल्थ और फिर आपके करियर को चेक करा जाएगा। साथ ही साथ क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए, वो भी आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो जरूर मेरी रीडिंग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें। और अब आप मेरे मेंबरशिप क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन कर, तो ज्वाइन बटन भी एक्टिवेटेड है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय वर्गोस, तो चलिए चेकआउट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज इस मंथ कैसे रहने वाली है। सो उसके बाद हम आपके रिलेशनशिप और आपके करियर और हेल्थ को भी चेकआउट करेंगे। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं क्या ओवरऑल एनर्जीज है वर्गो की। सबसे पहले मून, ओके। सेकंड एनर्जी इज लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स, सन एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं मून की एनर्जी मुझे बता रही है कि कोई तो शॉकिंग न्यूज, कोई डिसहार्टन न्यूज आपको मिल सकती है रिलेटेड टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड न्यूज आपको मिल सकती है, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में लेकर, ठीक है, वो चीज आपको डिसहार्टन कर सकती है, या फिर कुछ ऐसा होना जो आपके एक्सपेक्टेशंस को खत्म करेगा या आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ेगा। यू विल फील लाइक ये चीजें आपके फेवर में जैसे नहीं जा रही हैं, लेकिन एट द एंड आपको ये समझ में आएगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगी। ओके, एट द एंड आपको समझ में आएगा कि इस चीज से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेशनशिप रहा, तो आपके पार्टनर उससे आपकी वैल्यू समझ पाएंगे, उससे वो ये समझ पाएंगे कि उनकी कंपैटिबिलिटी थर्ड पार्टी के साथ है ही नहीं, जो कंपैटिबिलिटी उनकी आपके साथ है, और वो आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट पहले से भी ज़्यादा करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा कि जो आपके लिए हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आपके फेवर में ही हो रहा है, चाहे वो चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट ही क्यों ना हो। ये तो बात रही आपके रिलेशनशिप की, लेकिन यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जो 6 ऑफ कप की एनर्जी भी शो कर रही है, यानी किसी पर्सन का कमबैक करना। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर गया था पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में कमबैक करने के स्ट्रांग चांसेस होंगे, और ये पर्सन आपकी लाइफ में प्योर इंटेंशंस और ट्रू इंटेंशंस के साथ आता हुआ यहां पर नजर आएगा आपको। सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई ब्लेसिंग्स को दिखा रही है, यानी यू विल फील कि यस, अब आपका गुड टाइम से स्टार्ट होने वाला है, एंड आपके गुड टाइम आता हुआ नजर आ रहा है यहां पर, जहां पर आप बहुत ज्यादा जो हो क्लियर हो जाओगे, बहुत सी चीजों को लेकर क्लियर होते हुए यहां पर आप नजर आओगे। ओके, तो सन की एनर्जी बता रही है जो आपको ब्लेसिंग्स और क्लैरिटी दे रही है आपकी लाइफ में, आप विक्ट्री को आसानी से अचीव कर पाओगे, आप हासिल कर पाओगे उन चीजों को जो आप अभी तक हासिल नहीं कर पा रहे हो आपने रिलेशनशिप पर। आपको एट द एंड ये चीज भी समझ में आएगी कि आपने शायद अपने रिलेशनशिप पर इतना ज्यादा फोकस कर लिया था कि आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, और आपकी कोडिपेंडेंसी अपने रिलेशनशिप से हटकर अपने करियर की तरफ जाएगी, जहां पर आप बहुत कुछ हासिल करते हुए यहां पर नजर आ रहे हो। आप बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड, मोटिवेटेड फील करोगे, मल्टीपल टास्क करते हुए इस मंथ में आप नजर आओगे, बहुत हार्ड वर्क करते हुए नजर आओगे, स्पिरिचुअली अवेकेंड रहोगे कहीं ना कहीं, और कनेक्टेड रहोगे यूनिवर्स से, ठीक है, क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है, यू विल अंडरस्टैंड। आपकी इंट्यूशन इस पॉइंट पर काफी स्ट्रांग रहने वाली है इस मंथ में, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मून की एनर्जी और भी चीजों को डिफाइन करती है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी से लड़ाई झगड़े होने की एनर्जी भी यहाँ पर है, या आपकी लाइफ में एक हाई कॉम्पिटिशन की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है, यानी आप इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं बहुत हाई कॉम्पिटिशन फेस करने वाले हो, है ना। अगर आप जो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, एंड यस, मतलब यू विल फील लाइक कि हर चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, हर चीज़ को आपको खुद ही करना पड़ेगा। सपना जब आपने देखा है कुछ अचीव करने का, तो यू विल फील कि नहीं, उन चीज़ों को आपको खुद ही करना है, तो आप बिल्कुल एक हर चीज़ अपने आप से करने की कोशिश भी करते हुए, हार्डवर्क करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। और जो भी डिसअपॉइंटमेंट रही हैं या पास्ट में अगर कुछ आपके साथ कुछ बहुत डिसहार्टन भी हुआ है ना, मुझे दिख रहा है कि आप इस मंथ में उन चीज़ों को लेट गो कर आगे बढ़ते हुए
भी नजर आ रहे हो, यानी आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में और कुछ नया अचीव करने के बारे में सोचोगे, आप नए टारगेट्स, नए एम्स, नए गोल्स आप सेट करते हुए इस मंथ में नजर आ रहे हो जिन पर आप फोकस करना चाहते हो। आप मुझे उन चीजों पर फोकस नहीं करते हुए दिख रहे हो जो चीजें आपको बहुत डिसहार्टन करती आई हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक नए गोल्स, नए एम्स जैसे बनाते हुए यहाँ पर नजर आओगे। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी ये भी बता रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलोगे जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो, कोई बहुत पुराना फ्रेंड, नानी, दादी या कोई बहुत पुराना रिलेटिव, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपके मिलने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे जिस व्यक्ति से आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हो। ट्रैवलिंग के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके सारे कप यहाँ पर फिल्ड हैं, आप देख रहे हो सारे कप आपके फिल्ड हैं विद अबंडेंस, विद गुड लक, विद ब्लेसिंग्स। आपको लगेगा कि ठीक है, आपके पास लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है। यू विल फील फुलफिल्ड दिस मंथ, आपको बहुत फुलफिल्ड फील होगा। यानी एकदम डिसहार्टेंड से आपकी कौन सी एनर्जी आ गई, फुलफिल्ड की एनर्जी आ गई, जहां पर आप बहुत स्ट्रांगली फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में एक बार देखते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। वर्गो, रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड यहाँ पर चरॉइड की एनर्जी है। ट्रैवलिंग यहाँ पर दिखा रही है, अपने लव्ड वन के साथ आप ट्रैवल करने के कोई प्लान्स बना सकते हो। अगर मैरिड हो, फैमिली है तो या किसी बिजनेस ट्रिप पर जैसे जाने के चांसेस यहाँ पर होना, तो बेस्ट ट्रैवलिंग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये ट्रैवलिंग आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रांग करने वाली है आपके पार्टनर के साथ। आप दोनों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट, क्लैशेस हैं वो दूर करती हुई नजर आ रही है। इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पर आपको कमिटमेंट, डेटिंग या फिर स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वन के चांसेस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एक टुगेदरनेस को आप इंजॉय करने वाले हो इस टाइम पीरियड में। बहुत इंटेंस लव आप अपने पार्टनर के लिए फील करेंगे और आपका पार्टनर आपके लिए बहुत इंटेंस लव फील करता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर अगर पास्ट में आपके साथ ब्रेकअप कर गए हैं तो उन्हें रियलाइज हो जाएगा आपकी वैल्यू, आपकी इम्पॉर्टेंस। आपके पार्टनर यहाँ पर रियलाइज करके आपके पास वापस आते हुए भी मुझे रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। यानी अगर आपके सामने क्लैरिटी नहीं है ना कि किसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, कौन से रिलेटिव के मन में आपके लिए क्या चल रहा है या कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए गलत सोचता है, उन चीज़ों को लेकर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपका वेलविशर है और कौन आपका वेलविशर नहीं है और आपके लिए ईविल थॉट्स रखता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी में मिलेगी, ओके। एंड यस, आप काफी लव ऑफर भी अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप मे बी अपने आउटलुक में कोई चेंज लेकर आओगे जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा लव ऑफर्स को भी अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिखोगे। बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आपको लव ऑफर देंगे, आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। देर इज ऑल्सो चांसेस जहां पर आप किसी न्यू कमिटमेंट में भी एंटर कर सकते हो, ओके। देर इज अ चांस जहां पर आप पुरानी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, आप किसी न्यू कमिटमेंट में भी इस टाइम पे एंटर कर सकते हो। आपके करियर को भी चेकआउट कर लेते हैं, हाउ इज योर करियर गोइंग टू बी, ओके। प्लीज रिमाइंड बताएं कैसा रहेगा वर्गोस का करियर। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है एंड टू ऑफ वैंड्स, द हैंडमैन, ओके। सो यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग आई कैन सी, यानी किसी तरीके की नई बिगनिंग आपके करियर में आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो भी हासिल करना चाहोगे अपने करियर में कर पाओगे। अपने करियर को लेकर मल्टीटास्किंग करने की एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी। आप अपने करियर में काफी अपलिफ्टेड और मोटिवेटेड फील करोगे। मे बी आपके कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स रहेंगे जिनको आप अचीव करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। आप एक रास्ता बनाओगे उन गोल्स को अचीव करने का। अगर आपने कुछ फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स बनाई हैं तो उनको आप इनिशिएट करोगे, उनको आप स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। न्यू स्टार्टअप, न्यू प्रोजेक्ट्स में भी आप एंटर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। काफी हैवी इन्वेस्टमेंट मुझे किसी हद तक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। किंग ऑफ वैंड, हैवी इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है जो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर बहुत प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स देने के चांसेस हैं। किसी लीगल मैटर में मुझे यहाँ पर कोई चीटिंग होते हुए भी नजर आ रही है। तो अगर कोई लीगल मैटर में आप हो, ठीक है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, तो अगर किसी लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल
मतलब सोच समझ कर बिल्कुल पढ़कर उन एग्रीमेंट्स को साइन करो, क्योंकि किसी लीगल मैटर में आपका धोखा धड़ी होना या किसी लीगल मैटर में आपका फंस जाने की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको लीगल मैटर्स से कहीं ना कहीं बचने के चांसेस हैं यहाँ पर, आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, ठीक है, कोर्ट कचहरी या या मे बी इट्स इट्स दैट एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर आप कोर्ट कचहरी ये बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रहे हो, क्योंकि तो बी केयरफुल फॉर दिस थिंग, ठीक है, ये आपके लिए एक एक वार्निंग आएंगे कि आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस के चांसेस, ठीक है, किसी और कंट्री में जाकर काम करने के चांसेस भी यहाँ पर हैं, वीज़ा के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो अब वीज़ा के वीज़ा भी आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर कहीं बाहर जाकर डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाउन में जाकर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, तो यस, आपका वो ड्रीम भी यहां पर मैं करियर में फुलफिल होता हुआ देख रही हूं। किसी तरीके के एग्जाम को क्लियर करना, वो भी बहुत अच्छे परसेंटेज से मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यस, आप उन चीजों को भी क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो जिस एग्जाम के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, जिस एग्जाम के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उस एग्जाम में आपको वो एक्सेल मिल ही जाएगा। आप रिस्क लेने से भी घबरा नहीं रहे हो इस टाइम पीरियड में, यानी आप रिस्क भी ले रहे हो, आप हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, ठीक है, और यू विल लाइक, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, आगे बढ़ने के लिए मुझे इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और आप रिस्क लोगे उन चीज़ों को लेकर, और आप उसके बाद भी बहुत चिलपिल यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, इट्स एनर्जी ऑफ फूल, ठीक है, यानी आप बहुत चिलपिल भी हो, रिलैक्स भी कर रहे हो, ठीक है, आपको घबराहट नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगी उस चीज़ को लेकर, और फ्यूचर में भी आप उस पॉजिटिव एनर्जी में रहने के चांसेस हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएंगी, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी करोगे, विक्ट्रीज को आसानी से हासिल कर पाओगे, कुछ इनकम्प्लीट अगर आपकी लाइफ में है तो आप उसको कंप्लीट करते हुए भी नजर आ रहे हो यहाँ पर। मेंटली काफ़ी हेल्दी हो, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी यू वर लाइक कि ठीक है, आप मेंटली हेल्दी हो, आप सही डिसीजन सही टाइम पर ले पा रहे हो, विच इज़ द बेस्ट पॉइंट, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। आपकी हेल्थ पर भी फोकस कर लेते हैं वर्गोस, तो प्लीज डिवाइन, प्लीज वर्गोस की हेल्थ कैसे रहने वाली है। वर्गोस आपकी हेल्थ के बारे में देखें तो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है with the 10 of pentacles, king of pentacles and 9 of pentacles। health को लेकर बिल्कुल भी worry करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी का intake बढ़ाना है और थोड़ी अपनी healthy diet रखने की आपको ज़रूरत है, अपनी नींद को complete करो। आप नींद के कारण आपको issues हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, mental stress के कारण issues हो सकते हैं। आप मे बी देर रात तक काम कर रहे हो, सुबह जल्दी उठकर काम कर रहे हो, तो जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड लग रही है ये चीज़, आप एट द एंड ऑफ द डे आप एग्जॉस्ट ही होते जा रहे हो, तो अपनी नींद पर थोड़ा सा फोकस करो, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है, रिलैक्सिंग की भी बहुत ज़रूरत है आपको, नींद कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज आपको मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो कि नींद से रिलेटेड हैं, अदरवाइज चीज़ें बेहतर हैं, हेल्थ इश्यूज से रिकवर करते हुए बहुत पॉजिटिव रहते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आपकी तो विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, जो कि आपको हर बुरी चीज से, हर नेगेटिविटी से बचाती है, यू नो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके, चलो कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो दिस इज फॉर वर्गो, सो गाइडेंस फॉर द डे इज, फॉर दिस मंथ इज, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, मेंटली हेल्दी रहने की जरूरत है आपको, आपके ड्रीम्स सच होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये ड्रीम्स कैसे सच होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जब आप लॉजिकली मेंटली होकर सही तरीके से सोच रहे हो ना, तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव भी कर पा रहे हो, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म, एकदम लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाओ ताकि आप उन लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव कर सको अपनी लाइफ में, ठीक है, तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी जो आपने सपने देखे आप उन्हें अचीव तो कर पाओगे, लेकिन जो रास्ता आप बना रहे हो वो बिल्कुल सोच समझ कर आपने तैयार करना है, राइट। So this is all the energy for you. कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं. Like, comment, follow, share and subscribe करें. So this is all for today. Thank you. Bye-bye and take care.